नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सरनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। उदयपुर में चिंतन शिविर 13 तारीख से 15 तारीख तक संकल्प शिविर के आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेशानुसार चिंतन शिविर के आयोजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में किया गया। उपस्थित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, AICC के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अंबिका सोनी, KC वेणुगोपाल, बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान प्रभारी अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, AICC सदस्य रघुवीर मीना मौजूद रहे। चिंतन शिविर संकल्प के साथ सोनिया गांधी ने बताया कि यहां से निकलने के बाद एकजुटता कांग्रेस में दिखाई देना चाहिए। संगठन सबसे बड़ी बात है। अगर बीच में कोई बात हो तो आपस में सेटल कर लेना चाहिए। यह बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कांग्रेस से एकता बहुत जरूरी है। आज इसलिए यह 3 दिन के कार्य कैंप बनाया गया जिससे अपने अपने बात रखे जाएंगे। एकता ही मेरा संकल्प है, यह बात जनता के पास पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की गलत नीति के बारे में जनता को बताया। कहा कि उपस्थित अतिथि को मेवाड़ी साफा पहनकर उदयपुर के धरती पर स्वागत किया गया है। क्वेश्चन नहीं करते हैं, कभी गुजरात बॉर्डर की बात कर लेते हैं, या RSS और BJP के जो फासी तत्व हैं, इनका काम यही है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ, मैं मुबारक मौके पर सोनिया जी का, राहुल जी का, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि 3 दिन तक गहराई के साथ में, काफ़ी टाइम दिया गया डिस्कशन का, हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो फैसले होंगे वो हम सब के लिए एक नए संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाएंगे, तमाम देश की जनता तक, जनमानस तक हमारी भावना क्या है वो पहुँचाने में हम लोग कामयाब होंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि मैं कांग्रेस अध्यक्षा को यहाँ पर आमंत्रित करूँ, 3-4 छोटी छोटी हाउसकीपिंग अनाउंसमेंट्स यहाँ पे करना है। एक तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि 3 बजे, और आप लोगों को जो कार्यक्रम भी बांटा गया है, 3 बजे यहाँ से हम लोगों के सब्जेक्ट स्पेसिफिक मीटिंग शुरू हो जाएंगी। और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोगों के जो जो सब्जेक्ट्स जिस जिस को अलॉट करे गए हैं, वही सब्जेक्ट्स की आप लोगों को उसी मीटिंग हॉल के अंदर जाना है। और साथ साथ में मोबाइल फोन को बाहर रखने के लिए व्यवस्था करी गई है, तो मीटिंग से पहले कृपया मोबाइल फोन्स अपने आप लोग सब लोग बाहर रखें। मोबाइल फोन्स आप सबके सब लोग बाहर रखें। और रात का डिनर 8 बजे अरावली लॉन्च के अंदर होगा, और आप लोग समय के ऊपर अपना कार्यक्रम ख़त्म करके अरावली लॉन्च में डिनर 8 बजे, और एक बहुत अच्छा शानदार कल्चरल प्रोग्राम भी राजस्थान के तरफ से रखा गया है। और आखिरी बात यह है कि कोई भी डेलीगेट के अलावा यहाँ पर इस परिसर के अंदर कोई व्यक्ति ना रहे, स्टाफ भी या और जो दूसरे। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं। तो साथियों, मैं आप सब से आग्रह करती हूँ कि अपने विचार खोल कर रखें, मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। यह निश्चय बरकरार रखना होगा। हाल में मिली नाकामयाबियों से हम बेखबर नहीं हैं, ना ही
हम बेखबर है उस संघर्ष से या उस संघर्ष की कठिनाइयों से जिसे हमें करना है और जीतना है। लोगों की हमसे जो उम्मीदें हैं उनसे हम अनजान नहीं है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह प्रण लेने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका मिलाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव निभाई है और जिस भूमिका की उम्मीद इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। हम यहाँ पूरी विनम्रता के साथ आत्मा निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर निकलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।